हेलो है, लक्ष्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लिए नए वीडियो लाए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो का नाम है सिंपल पास्ट टेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी टेंस बता चुके हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक भी दी जाएगी, वहां से भी आप दे सकते हो। लेकिन आज जो हम फोकस जो दी जाएगी वो है आज सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ भी आप देख सकते हो किस प्रकार का दी गई है। यहाँ पे देखिए लिखा है सिंपल पास्ट टेंस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, अगर आप नए हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरा चैनल का नाम है लक्ष्य स्टडी सेंटर कुर्सों के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन होगा उसे भी आप प्रेस करना, ठीक है। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का क्या यूज है, इसका क्या अर्थ है, ये पहले समझ लेते हैं। कैसे हम सेंटेंस को समझेंगे ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो सबसे पहले हम एक दो सेंटेंस लिखते हैं हिंदी में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने खाया, देखिए ना मैंने खाया, तो इसके अंत में देखिए, अंत में क्या आया ना, मात्रा जो आया है आ ई ई दीर्घी ए, ये मात्रा जो अंत में आते ना, और यही पे वाक खत्म हो जाने चाहिए, तो क्या कहलाएंगे वो, सिंपल पास्ट टेंस कहलाते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, मैं खाता था, ऐसा भी सेंटेंस को आप लिख दोगे तब भी ये है क्या समझ जाएंगे, ये सिंपल पास्ट टेंस है। दो तरीका हो सकता है, था थे थी लगा रहे तब भी समझेंगे हम, और एक है मैंने खाया, यानी अंत में देखिए समझ लेंगे एक बार, अंत में आ ई ए ए ये आपका रहता है तो समझेंगे क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस। जैसे उसने बुलाया या उसने बुलाए, बुलाए आगे नहीं सबका, तो कहने का मतलब ये सब क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो अब हिंदी में कैसे समझ, सबसे पहले आप समझना कैसे समझेंगे वो, यहां पे फॉर्म देखो, यहां पे कैसे लिखा, जैसे हिंदी वाक्य के अंत में आकार हर्षिकार दीर्घिकार एकार रहता है, समझे ना, समझे क्या समझे, सिंपल पास्ट टेंस समझेंगे, या था थे थी रहता है तो हम समझेंगे पास्ट टेंस समझेंगे। अब इसे हम इन दो सेंटेंसों को हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो क्या लिखेंगे इसका, उसने का ही होगा, और आप समझ गए ना, इसमें जो होता है यूज भी टू का यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में भी टू का यूज होता है, मैंने वर्ब फॉर्म जो दूसरा है उनका यूज होगा, वर्ब फॉर्म दूसरा का यूज होता है। एक चीज अफर्मेटिव में, अगर निगेटिव की अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस है तो वहां फिर भी टू का यूज नहीं होगा। फिर इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो वहां भी टू का यूज नहीं होगा। तो भी टू का यूज जो होता है केवल, आप इतना याद रखो, भी टू का यूज जो हम करेंगे वो कहां कैसे करेंगे, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जिस प्रकार आप V5 का यूज केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव के साथ करते हो, ठीक उसी प्रकार सिंपल पास्ट में V2 का प्रयोग केवल सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ की जाएगी। अब इतना सब क्लियर हो गया। ऐसे मैं खाता था तो आई एट, तो आपको समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप यह समझ लेंगे हिंदी में सिंपल पास्ट टेंस कैसे समझेंगे, तो आ ई ए ऐ लग अंत में रहे, कब रहे, अंत में रहे, वाक्य के अंत में। दूसरी बात, या ऐसे रहे मैं खाता था, या ऐसे रहे वह गया या वह गई, समझे ना, तो यहां पे देंगे ही वेंट गई, दीर्घी का आ गया ना, तो इस तरह से यहां पे एकर आ रहा है, या था थे थी रे, तो समझेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस समझेंगे। बस इतना बात आपको याद रखनी है, और क्या इंग्लिश में क्या याद रखना है, आप सब्जेक्ट जानते हो, सब्जेक्ट तो होता ही है। अब याद रखना है, ये आपको याद रखने, सिंपल फॉर्म का जो भर्ब फॉर्म दूसरा होता है, V2 भर्ब का दूसरा रूप,
वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो वर्ब फॉर्म का दूसरा रूप याद रखेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में, खासकर अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो वहां वी टू का यूज करेंगे, और फिर इनिगेटिव में जाएंगे या फिर इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो वहां उसका यूज ना, वहां उसका यूज नहीं होगा। केवल सिंपल पास्ट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव वी टू का यूज होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। इतना बात याद रख लेंगे, इतना बात क्लियर। अब इसको आप अच्छे ढंग से नोट कर लो। देखिए यहां हम अब लिख भी देते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, पहचान लिख देते हैं, वैसे भी आप यहां पर पहचान होंगे। हिंदी वाक्य के अंत में आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, एककार, ऐकार रहे तो सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। पहचान के लिए हिंदी वाक्यांत में आकार हर्ष दीर्घकार है, या यह भी हो सकता है, अगर हम यह मान के चले था थे थी, ये भी रहता है था थे थी, तब भी हम समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, समझ गए। और इसमें जो आपको भर फॉर्म यूज करने हैं, खास करके समझने के बाद, तो वी टू का यूज करेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वी टू का यूज करेंगे, समझ गए इतना। अब आपको हम स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर जो मेरा कहेगा ना उस पर हम फोकस रखेंगे। देखिए मेरा स्ट्रक्चर क्या कहता है, तो सबसे पहले हम चलेंगे अफर्मेटिव पर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर चलेंगे तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के साथ हम जा रहे हैं, तो वहां पे लिखोगे आप सब्जेक्ट तो होगा ही, उसके बाद प्लस का चिन्ह, और यहां पे वी टू का यूज होगा और अदर वर्ड का यूज होगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के रूप में लेंगे। अब फॉर एग्जांपल बात करें, वह पटना गया, ऐसा है। ही वेंट टू पटना, ये जो आप वेंट देख रहे हो ना, यही मेरा है वी टू, ये वर्ब का दूसरा रूप, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे वर्ब फॉर्म होते हैं, गो हुआ, वेंट, गॉन, गोइंग, अगोज, ये कम से कम आपको तीन फॉर्म याद रखने हैं, खासकर जब अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए मेरा स्ट्रक्चर जो है, तो सब्जेक्ट, वी टू और अदर वर्ड, इतना बात को आपको याद रखने होंगे। और इसके अलावा आपको क्या याद रखने हैं कि अगर वाक्य के अंत में आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, एकार की मात्रा रहती है, तो तब हम समझेंगे ये सामान्य भूतकाल है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है, तब समझेंगे। इतना बात, दो बात याद रखनी है, मात्र दो बात। एक बात जो हिंदी वाक्य के अंत में आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार रहे तब, या था थे थी रहे, वो भी हो सकता है, या उसके अलावा आपको क्या याद रखनी है, भर्व का दूसरा रूप, वो भी भर्व का दूसरा रूप तब यूज करेंगे जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं तब। अगर मान लीजिए हम निगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हम वी टू का यूज नहीं करेंगे,
तब हम यूज करेंगे वी वन का। तो आगे बढ़ेंगे, अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उस पर कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो उन एग्जांपल्स के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखते हैं यहां पे, आप लोग पत्र लिखिए, ऐसा सेंटेंस, आप लोग पत्र लिखिए, एक कर आ गया और कुछ भी नहीं, समझेंगे ये सिंपल पास्ट है, ये भी अफर्मेटिव है, तो यू आ गया, यू लेंगे, यू के बाद रोट, यू रोट ए लेटर, सेंटेंस बना, क्लियर हो गया। हाँ, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत इसलिए हो रही है, होती होगी क्योंकि आपको ये फोन अगर आपको याद नहीं है तब आपको थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है। तो आपको क्या याद रखनी है, क्या आपको याद रखनी है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में, तो आपको वी टू का प्रयोग याद रखनी है, वो आपको याद करना होगा, तभी आपकी सेंटेंस क्लियर होंगे। हम लोग अंग्रेजी बोले हैं, तो वी लर्न इंग्लिश, इतना आपको याद रखनी है। सेंटेंस एक दो यहां पर और लेते हैं, आपको यहां से कंसीडर कर लीजिए कैसे बनाएंगे, आगे देखिए। गरीबों की मदद की, दे, अब भी टू बना क्या हो गया, हेल्प द पुअर, पुअर वाइस एडजेक्टिव है, अब दो लगा देते मेरा नॉन हो गया। इस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, वह शोई उसने किताब खरीदी, शी परचेस्ड, या बॉट भी दे सकते हो, शी परचेस्ड ए बुक। तो आप कहने का मतलब यह है कि अगर सेंटेंस में अंत में आकार हर्षी का दीर्घी का एकार एक रहता है तो हम समझेंगे ये सिंपल पास्ट टेंस है, वो भी अफर्मेटिव स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब का दूसरा रूप चाहिए और अदर वर्ड चाहिए। तो इतना दो चीज आप समझ ही चुके हैं, खाली आपको याद रखने हैं कि ये सबसे पहले पहचानेंगे, पहचानने के लिए हम वो भी बता दिए, आकार हर्षी का दीर्घ का है तब, तब समझेंगे हम क्या है ये सामान्य पास्ट टेंस है, मैंने मतलब सामान्य भूतकाल है, उसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए आपको वी टू याद रखने हैं। तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसको अच्छे से लर्न करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।